स्वागत है आप सभी दोस्तों का अपने इस चैनल पे मुंबई हाई फ्लाइंग पिजन्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नाजिम अली शेख, हाजिर हूं आपकी खिदमत में फिर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम सेकंड पार्ट बनाए हुए हैं जो कि फर्स्ट पार्ट में कल्दू में कवर किए थे। तो अमूल दादा इस पार्ट में कौन से कबूतर कवर करने वाले हैं? नानू भाई के कबूतर है भाई। अच्छा, कबूतर है घर के कबूतर है, इधर उधर से जमा किए थे अच्छे अच्छे। हाँ हाँ और यहाँ कबूतर वही रहता है जो 6 घंटा 5 घंटा उड़ा हुआ है, बाकी कबूतर का वैल्यू नहीं भाई। हाँ, बच्चे लोग को दे देते। ओके, अच्छा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में अमूल दादा ने बताया कि नानू भाई अपने कबूतर क्यों थोड़े से निकाल रहे हैं, बिकॉज वो जॉबलेस है इस वक्त, इस वजह से उन थोड़े कबूतर अभी वो सेल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अच्छे कबूतर रखे हुए और अच्छे बेकार कबूतर निकाल रहे हैं, जो भी है सारे अच्छे ही कबूतर थे उनके पास, ठीक है। तो आधे कबूतर वो ये कर रहे, सेल कर रहे। तो आइए, अच्छा पट्टे भी बहुत है तो पट्टे भी सेल के लिए निकाले हुए। तो आइए अभी आपको पहले जोड़े का शौक करवा दें। तो ये देखिए सेकंड पार्ट का फर्स्ट पैर है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये देखिए। तो ये कौन से उसमें जर्चे बेदाग में क्या? व्हाइट जर्चे बेदाग, व्हाइट बेदाग के मादी नोके में। अच्छा, नोके में मादी। पहले दिन में 8 घंटा उड़ा हुआ ये फर्स्ट डे पे। अच्छा, पहले दूसरे दिन छूट गया था सुबह में। हाँ हाँ, तो ये 3-4 बजे हम लोग बिठाए थे, जगह पे उड़ रहा था कबूतर। अच्छा, जगह पे उड़ रहा था। नानू भाई निकल रहे अभी। अच्छा, तो ये मादी ने आज ही अंडा डाला है। अच्छा, आज ही अंडा डाला है, अंडे बच्चे। तो कंफर्म ब्रीडिंग पैर है दोस्तों। तो अब आइए आपको नर मादी का शौक करवाते। तो ये देखिए दोस्तों नर है, और अभी नर की आंखों पे जूम करते हम। ये देखिए दोस्तों नर की आंख बिल्कुल एकदम जर्चे में दोस्तों, और इसकी जो चोंच और नाक देखिए दोस्तों एकदम मिली हुई है, और एकदम चपटी देखिए, एकदम एरोडायनामिक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं ना वही चीज़ है दोस्तों, देख सकते हो एकदम चपटी और ऐसा झुकी हुई दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके पंजे भी बता दीजिए, और ये देखिए पल्ले बता रहे दोस्तों, ये देखिए पर। और ये भी एक चीज़ देखी जाती है दोस्तों, आवाज आने को गैप नहीं उसको, ये देखिए ये भी एक चीज़ देखी जाती है बगल के पर, और वो दसों पर। ये और ये देखिए दुम, बंद दुम एकदम एकदम टाइट बंद दुम, और ये पंजे जामनी पंजे गुलाबी पंजे पूरे। ये देखिए, तो अब आइए मादी के शौक करवाते। और ये देखिए मादी है दोस्तों, मादी की जो खोपड़ी है वो देखिए दोस्तों, चोंच देखिए कितनी बारीक है, और खोपड़ी एकदम जैसे चूहे ब्रीड रहते हैं ना दोस्तों उसी ब्रीड की ऐसी दिख रही है मादी, जो चूहा ब्रीड कहते हैं। ये देखिए जो भी लेगा खुश हो जाएगा भाई। इसके भी पर भाई ये दिखा दीजिए, ये देखिए दुम, बंद दुम एकदम टाइट। ये देखो कुछ तो पकड़ा नहीं भाई। हाँ, ये देखो पकड़े नहीं है कहीं से भी। और ये देखिए लाल खुश्क पंजे, जोड़ा छोड़ के बताते। तो ये देखिए पहला जोड़ा, और पर मादी के पर में वाइब्रेशन देखिए दोस्तों, और इसकी साइज देखिए मादी की, जो खोपड़ी की साइज जैसे कि मैं बता रहा था। और मादी ने अंडा डाली भी दोस्तों, ये देखिए एक अंडा डाली ना अभी, पहला एक अंडा डाली है दोस्तों मादी ने। तो अब आइए आपको सेकंड पैर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड पैर है, और नर की साइज देखिए दोस्तों, हाथों में ही देख सकते हो आप। ये देखिए राजस्थानी का बाजरा लग रहा है दोस्तों जैसे, ये टोंक का कबूतर है, ऐसे टोंक का ही कबूतर है देख सकते हो दोस्तों आप, बहुत अच्छे उड़ाएगा भाई बहुत। अच्छा, तो आइए अभी दोनों की आंखों का शौक करवाते। और ये देखिए नर की आंखों का शौक करवाने जा रहे हैं अभी आपको, और नर की आंखों पे जूम करते हम। ये देखिए जैसा कि बाजरेपन में कलर है दोस्तों खोपड़ी का, उसी अंदाज में उसकी आंख भी है दोस्तों, और काला वाला पुतली देखिए दीदा एकदम बारीक किया हुआ, और उसके बाजू में जो एच रिंग रहता है, जो ब्रीडिंग सर्कल भी माना जाता है, जो बोलते हैं उड़ान में भी काम आता है, वो देखिए कितना गहरा है दोस्तों, एकदम वाइड है, ये बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। और इसकी साइज देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये खतरनाक ब्रीडर कबूतर है भाई, हड्डी जोड़ इसकी एकदम मजबूत है। हाँ, हड्डी भी एकदम टाइट इसकी है, हड्डी देखो पूरी जॉइंट ब्रीड एक नंबर। तो आइए अभी मादी का शौक करवाते। और ये देखिए मादी दोस्तों बहुत उड़ती है, मादी उड़ा की जो लाल आंख होती है दोस्तों, वैसी लाल आंख लिए लाल जर्रात बने हुए, ये देखिए देख सकते हो लाल जर्रात बने हुए एकदम, 6 घंटा उड़ लेती है भाई आराम से, 6 घंटा उड़ लेती है। ये देखो आप, मैं ये देखिए पर देखो उसके, ये देखिए दोस्तों सड़ गए भाई उड़ उड़, ये देखिए दोस्तों। तो आइए अभी आपको जोड़ा छोड़ के बताते। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए नर और मादी, ये देख सकते हो नर कैमरे में ही नहीं है आ रहा है दोस्तों, एकदम गद्दावर साइज में नर, ये देख सकते हो। तो दोस्तों नानू भाई ने इससे पहले लाल बाजरे लेके आए थे, और अभी देख सकते हो भूरे बाजरे, लाल बाजरे सारे सोल्ड आउट हुए इनके पास के। नानू भाई को बाजरे का बहुत शौक है देख सकते हो आप, दिख ही रहे हो लाल बाजरे, फिर अभी भूरे बाजरे देख सकते हो आप। और अब आइए आपको थर्ड पैर की तरफ लेके चलते हैं।
तो ये देखिए थर्ड पेयर लेके आए अमूल दादा ने इस वीडियो का तीसरा जोड़ा इलाहाबादी बाजरे ये। अच्छा देख सकते हो दोस्तों इलाहाबादी बाजरे ये देखिए। ये रात में कबूतर गिर गया था। अच्छा तो बच्चे लोग को मिला था तो एक भाई ने अपने अपने को बेचा ये जोड़ा। अच्छा मतलब उड़ के दोस्तों शाम हो जाती है तो शाम में ये रात में झाड़ पे लग के गिरा हुआ था कबूतर ये। बहुत अच्छा बच्चा ये देखिए जो भी ले रहा। तो आइए अभी आपको दोनों क्या को शॉक करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों ओरिजिनल बाजरा है दोस्तों। ये देखिए जो इनके खोपड़ी का कलर है वही आंखों का भी कलर है देख सकते हो आप। और जर्रात देखिए रिंग देखिए ऐसी रिंग देखिए एकदम काली ऐसी रिंग बनी हुई है काला पुतली देख सकते हो आप। ये देखिए ओरिजिनल बाजरे इलाहाबादी बाजरे ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसको भी राजस्थानी बाजरे बोलेंगे। ये इलाहाबादी जो बात है वो बात है दोस्तों बताई जा रही है आपको। ये देखिए पर एकदम चौड़े चौड़े पर है देख सकते हो। ये देखिए वीड देखिए इसकी और ये धूम है। तो आइए अभी मादी का शौक करवाते हैं। और ये देखिए मादी है दोस्तों। इनके बारे में कुछ बोलना नहीं भाई कबूतर खुद बता देंगे मैं क्या हूँ। हाँ क्या बताना है उनके बारे में भाई अच्छे कबूतर है। हाँ। गारंटेड कबूतर है बाकी पब्लिक खुद जानती है भाई। ये देखिए आंख देखिए दोस्तों खौरे चीने चपाटे दिखा के 10 घंटा बोलेंगे तो थोड़ी लेने वाले जोड़ा छोड़ के बता दें। ये देखिए दोस्तों ये तीसरा जोड़ा इस वीडियो का आई थिंक। तो अमूल दादा पर खौरे चीने भी बहुत उड़ते काफी उड़ते हैं बट उनके कलर की वजह से पसंद नहीं करते उसको। नहीं लेते पब्लिक। हाँ वही बात है दोस्तों बाकी उड़ान हमने भी देखी है उसकी बहुत अच्छे उड़ते हैं बहुत अच्छे उड़ते हैं। ये देखिए बाजरे। तो आइए अभी आपको चौथे पैर की तरफ लेके चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों चौथा जोड़ा लेके आए इस वीडियो में। तो अमूल दादा कौन से उसमें ये जोड़ा बोलेंगे इनको लाल बाजरे बोलेंगे लक्सरे बोलेंगे। हाँ कुछ लोग कासनी भी बोलते हैं दोस्तों जो नर है उसको कासनी में भी लेते बट ये कासनी नहीं है दोस्तों ये लाल लल्सरे भी बोल सकते हैं या लाल बाजरे भी बोल सकते हैं। तो आइए अच्छा डेली उड़ान है दोस्तों इसकी। आइए दोनों की आंखों का शौक करवा दे। तो ये देखिए अभी नर का शौक करवा रहे आपको। अब नर की आंखों पे जूम करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों नर की आंख है देख सकते हो और इसका कलर भी बता दीजिए एक बार। ये देखिए गद्दावर साइज में एकदम और ये देखिए कलर है दोस्तों ये। और अब आइए मादी का शौक करवाते। मादी नया लाए मादी है मादी नया लाए। अच्छा उड़ाए हुए उड़ा के चेक किए हुए पल खुले हुए दोस्तों। तो ये कलर किसने लगाया मतलब उधर से लगा था। अच्छा उधर से ही लगा हुआ था ये लौट आया था तो। अच्छा ये देखिए दोस्तों मैंने अक्सर बाजियों में भी लगाते हैं। हाँ हाँ लगाया रेगले अच्छी उड़ती है भाई। ये देखिए मादी दोस्तों। तो अब आइए आपको जोड़ा छोड़ के बता सब। तो ये देखिए दोस्तों ये चौथा जोड़ा इस वीडियो का देख सकते हो। ये देखिए तो प्राइस के रिगार्डिंग नानू भाई और अमूल दादा का नीचे नंबर होगा आप बात कर सकते हो। ये देखिए जामिनी खुश्क पंजे दोनों के नर मादी के दोनों भी एकदम खुश्क पंजे दोस्तों देख सकते हो आप। ये अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। तो आइए अभी आपको पांचवा जोड़ा बता दें। तो ये देखिए दोस्तों पांचवा जोड़ा लेके आए अमूल दादा ने। और कलर देखिए दोस्तों नर का कलर देखिए किस कलर में। ये भी मेरे ख्याल से अमूल दादा पर ये भी गर्रों से ही बनते ना ये कलर भी। कासनी कर रहा है। अच्छा कासनी गर्रा ही बोलेंगे इसको भी। तो आइए अभी आपको दोनों की आंखों को शॉक करवाते। ये देखिए दोस्तों नर है और नर की आंख देखिए दोस्तों जो काला वाला पुतली देखिए कैसा डिफरेंट एकदम। ये देखिए दोस्तों मतलब एक टेबल जैसा बना हुआ नीचे एकदम फ्लैट है और ऊपर से गोल है देख सकते हो आप। पलके देखो लाल और पलके देखिए लाल एकदम और आंखों में शेड देखिए दोस्तों जैसा कलर है वैसी शेड है आंखों का कैट आंखें कैट आइस। ये देखिए धूम कासनी धूम एकदम जैसे। ये देखिए पंजे एकदम लाल खुश्क और ये मादी है दोस्तों गर्रे में। और इसकी आंख देखिए दोस्तों ब्लू आइज में अमूल दादा बता रहे जीरे में। ये देखिए जैसा कलर वैसी आंख। ये देखिए जैसा कलर है बदन का वैसी आंख का भी कलर है मतलब एकदम प्योरिटी में दोस्तों ये नस्ल। धूम भी बता दीजिए। ये देखिए धूम दोस्तों। तो आइए जोड़ा छोड़ के बताते। तो ये देखिए नर है ये देख सकते हो कासनी गर्रे में नर है और जीरे में मादी है। बहुत प्यारा कलर और बहुत ही प्यारा कलर है खूबसूरत है उड़ेगी बहुत अच्छे उड़ेगी भाई। हाँ कबूतर अगर मैं बोलता हूँ अगर अमूल दादा इसमें अगर व्हाइट मादी लगाते अबूल तो और लाइट शेड लेके आएगा ना। हाँ। ये देखिए इसके साथ भी पट्टे अच्छे आएंगे भाई। अच्छा इसके साथ भी पट्टे अच्छे आएंगे ऐसा अमूल दादा का कहना है दोस्तों। मतलब बहुत ही प्यारा जोड़ा कलर के हिसाब से दोस्तों उड़ान के हिसाब से मानू भाई। ये देखिए तो अब आइए आपको छठे पैर की तरफ लेके चलते। तो ये देखिए दोस्तों ये आई थिंक लास्ट पैर है ना अमूल दादा इस वीडियो का लास्ट है। ये देखिए आखिरी जोड़ा है दोस्तों जो कि छठा जोड़ा होगा और नर की क्वालिटी देखिए दोस्तों किस अंदाज में नर है कासनी कर रहा है ये भी।
तो आइए आपको दोनों की आंखों का शौक करवाते हैं। देखिए दोस्तों, धूप किन्नर है और अभी हल्की एकदम शाम की वक्त है, शाम का वक्त है तो धूप हल्की एकदम। और ये देखिए आलू पलका, देखिए दोस्तों किस तरीके का, एकदम ऐश रिंग देखिए, एकदम मतलब काला वाला पुतली देखिए, एकदम घेर के एकदम ऐसा जैसा है, एकदम टाइट जैसा घेरा हुआ है ऐश रिंग। ये बहुत एक अच्छी अलामत मानी जाती है दोस्तों कबूतर में, हाई फ्लाइंग में। ये उल्टी कैच लगेला कबूतर है भाई, ये देखिए अभी उल्टी कैच लगा हुआ है ताकि बंद ना हो। और ये देखिए इसकी दुम देखिए दोस्तों, एकदम सिंगल दुम और एकदम बंद, एकदम टाइट दुम है दोस्तों, देख सकते हो। और ये पंजे, तो अब आइए मादी का शौक करवाते। और ये देखिए मादी दोस्तों, मादी उड़ी है बता रहे अमूल नानू भाई के पास, नानू भाई के पास। ये देखिए नानू भाई अमूल दादा के पास ही में ही रहते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। तो अब आइए जोड़ा छोड़ के बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों नर की साइज देखिए, नर की स्टैंडिंग देखिए किस तरीके की, ये देखिए, ये देख सकते हो स्टैंडिंग। पोस्चर देखिए नर का किस तरीके का है, पोस्चर है ये देखिए, ये देख सकते हो आप। ये देखिए सामने से फ्रंट बॉडी देखिए, ये देखिए बहुत ही प्यारा नर है दोस्तों। अमूल दादा के हाथ में ही बता दिया था मैं कि किस क्वालिटी में नर है दोस्तों। खड़ान देखिए एकदम जिराफ और तीन पंजे पे खड़ा रहता है, ऐसा अमूल दादा का कहना है। एकदम जिराफ की जैसी स्टैंडिंग है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो ये लास्ट पैर था इस वीडियो का, तो आइए अमूल दादा से कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे साथ आतिश भाई भी जुड़ चुके हैं। हेलो आतिश भाई। तो आतिश भाई का शौक कैसा चल रहा है अभी इस वक्त? उड़ाने का शौक चल रहा है, शिकरा को खिलाने का, क्योंकि दोस्तों बाज भी बहुत आते हैं यहाँ पे, तो बहुत से कबूतर मार में गए हुए आतिश भाई। अभी अमूल दादा वही बोल के मजे लिए जा रहे थे, आपस में दोस्तों दोस्तों, तो चलता है थोड़ी बहुत हंसी मजाक। तो अमूल दादा अभी जितने भी कबूतर बताए आपने, तो डिलीवरी जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ हो जाएगी, बट एक प्राइस रेंज बता देंगे व्यूअर्स को, एक अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 2500 के आसपास में हो गए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छी बात है, प्राइस खोल के बताए हुए दोस्तों इस वक्त, देख सकते हो आप। वो लायक है क्या नहीं बताना। अच्छा तो आतिश भाई आपके पास अभी इस समय कौन से कबूतर ज्यादा है? कल्दू में ज्यादा है आपके पास भी? लल्दू में, लल्दू में भी है। ओके, देख सकते हो दोस्तों कल्दू में लल्दू में कलेक्शन है। कभी उनका भी वीडियो शूट करेंगे हम शौक के लिए जस्ट। तो चलिए दोस्तों आपसे इजाजत चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट